एक्सरसाइज नंबर एक, डंबल प्रेस। यह शोल्डर के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इसे करने से शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ती है। फ्रंट शोल्डर और साइड शोल्डर दोनों टारगेट होते हैं। इसमें आप हैवी डंबल का यूज करें। डंबल को ऊपर की ओर प्रेस करें तो शोल्डर मसल को अच्छे से स्क्वीज करें और फिर उसी फॉर्म के साथ डंबल को नीचे लाएं तो शोल्डर मसल को अच्छी तरह से स्ट्रेच करें। आप इसके 3 से 4 सेट 10 से 12 रिपीटेशन के लगाएं। एक्सरसाइज नंबर 2, प्लेट फ्रंट रेज। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करने से फ्रंट शोल्डर टारगेट होते हैं। आप इस एक्सरसाइज को खड़े होकर या फिर बैक सपोर्टेड बेंच पर बैठकर परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आप जब प्लेट को सामने की ओर ऊपर उठाएं तो मसल को फील करें, फ्रंट शोल्डर को स्क्वीज करें, फिर उसी फॉर्म के साथ प्लेट को नीचे लाएं और फ्रंट शोल्डर को स्ट्रेच करें। आप इसके 3 सेट 10 से 12 रिपीटेशन के लगाएं। एक्सरसाइज नंबर 3, डम्बल साइड रेज। दोस्तों, साइड शोल्डर्स को ग्रो करने की यह सबसे बेस्ट और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। आप इस एक्सरसाइज को खड़े होकर या फिर बैक सपोर्टेड बेंच पर बैठकर परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आप मीडियम लाइट डंबल का यूज करें क्योंकि यह एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है। आप इसके 3 से 4 सेट 12 से 15 रिपीटेशन के लगाएं। एक्सरसाइज नंबर 4, इनक्लाइन डंबल रिवर्स फ्लाई। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को इनक्लाइन बेंच पर उल्टा लेटकर परफॉर्म करें। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इससे शोल्डर का बैक पार्ट यानी रियर डेल्ट और अपर बैक टारगेट होता है। आप इसमें हल्के डंबल का यूज करें। इसके 3 से 4 सेट 12 से 15 रिपीटेशन के लगाएं। एक्सरसाइज नंबर 5, श्रग्स। शोल्डर फिनिशिंग के लिए आप डंबल श्रग या बारबल श्रग एक्सरसाइज को अपने रूटीन में जरूर ऐड करें। इस एक्सरसाइज को करने से ट्रेपेजियस मसल काफ़ी अच्छे से टारगेट होता है और गर्दन भी मजबूत बनती है। आप इसके 3 से 4 सेट 12 से 15 रिपीटेशन के लगाएं।